डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्पीड एंड वर्लिंग मोशन। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये समझिए इसमें पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन आ जाएगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि वाइब्रेशन के लिए आपको पुराने जितने भी आपने मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़े उनका नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। और हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन की अब ये वाली एक्सट्रीम प्रॉब्लम है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। तो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज, रीड करते करते मैं गिवन डेटा भी लिखता जाऊंगा, ठीक है। अ रोटर ऑफ 10 kg मास इज माउंटेड मिडवे ऑन अ 2 cm डायमीटर। द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट सपोर्टेड एट द एंड्स बाय 2 bearings, ठीक है। वही कंडीशन आ गई, 2 bearings के बीच में एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है जिसमें 10 kg का मास है और 2 cm डायमीटर है। तो जो मास ऑफ द रोटर है दैट इज 10 kg, डायमीटर इज 2 cm और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है जिसके मिड वेग पे लगा हुआ है 2 bearings के बीच में। तो द बियरिंग स्पैन इज 80 cm, स्पैन का मतलब लेंथ। तो बियरिंग स्पैन आप ले लो 80 cm, इस पे आधे पे यानी 40 cm पे लगा है। बिकॉज ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द डिस्क इज 0.01 mm अवे फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रोटर। यही हम लोगों ने डेरिवेशन में भी देखा था कि ज्योमेट्रिक सेंटर से जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर अलग अलग हो जाता है तो उस डिस्टेंस को सेंट्रिसिटी बोलते हो। तो इसेंट्रिसिटी आपको दी है 0.01 mm अवे फ्रॉम द ज्योमेट्री। इफ द सिस्टम रोटेट्स एट 3000 rpm, तो सिस्टम का आरपीएम दे दिया 3000 rpm। Determine the amplitude of steady state vibration and the dynamic force transmitted to the bearing. Steady state vibration के amplitude निकालने हैं, और साथ ही साथ dynamic force जो transmit हुआ है वो निकालना है। डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बियरिंग, और बोला गया है टेक इक्वल्स टू 2 × 10^6 kgf पर सेंटीमीटर। तो दीज आर द गिवन डेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते, तो डायनामिक फोर्स एक नया कंसेप्ट है जो हम यही डिस्कस करेंगे और बाकी सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो मास दे दिया है 10 kg, डायमीटर दे दिया है दैट इज स्मॉल डी ले लो 2 cm, तो ये हो जाएगा 0.02 m। एल दे दी है 80 cm, ई विल बी 0.01 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम जब भी पुट करेंगे। एन दे दिया है, ई दे दिया है, ई को भी कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज 2 × 10^6 और kgf को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 9.81 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 9.81 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये E की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 × 9.81 × 10^10, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में किया, ऊपर गया तो ये 10^-2 का स्क्वायर, ऊपर गया तो 10^+10, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि जीटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और जो शाफ्ट, जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है 2 bearing के बीच में जिसमें एक रोटर लगा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूं सिंपली सपोर्टेड। तो अज्यूमिंग शाफ्ट इज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। तो शाफ्ट इज सिंपली सपोर्टेड, तो मुझे अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए और स्टिफनेस भी नहीं दी है तो मुझे डिफ्लेक्शन की जरूरत है। तो सिंपली सपोर्टेड माना, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसको मैं डेल से लिख रहा हूं, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम
डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 48 EI, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 48 EI, ठीक है। और मुझे पता है क्यों निकाला है ये मैंने, क्योंकि अगर मैं यहां से W बाय डिफ्लेक्शन निकाल लेता हूं, W बाय डिफ्लेक्शन दैट इज 48 EI अपॉन में L क्यूब, सो जो W बाय डिफ्लेक्शन है ये लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, दैट विल गिव यू द स्टिफनेस, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल्स टू स्टिफनेस। तो K इज इक्वल्स टू 48 EI अपॉन में एल क्यूब। तो डायरेक्ट मैं के की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूँ, वैल्यू पुट करें, 48 ई की वैल्यू हो गई 2 × 9.81 × 10^10 इंटू आई, आई अब यहां पर जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम लोगों ने जितना भी रखा था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा था, बट ये जो आई है दैट रिप्रेजेंट्स ई आई, ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी ई और आई इज द एरिया प्रॉपर्टी, तो मुझे रखना पड़ेगा एरिया। तो एरिया हो गया पाई बाय 64 d4, तो डी फोर डी कितना है 0.02 अपॉन में 64 × L^4, एल कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 का क्यूब। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया सो आई हैव फाउंड दैट के इक्वल्स टू 144.464.17 न्यूटन पर मीटर। इसको किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो के मिल गया। नाउ के दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं अंडर रूट के बाय, तो अंडर रूट के बाय एम से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गई 144.464.17 अपॉन में के, एम इज 10 kg, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगी आपकी 120.19 रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा, ओमेगा कैसे निकलेगा 2π n/60 से, सो 2π n कितना दिया है 3000 डिवाइडेड बाय 60, सो इट कम्स आउट टू बी 314.16 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नाउ जीटा तो दिया नहीं है, जीटा इज इक्वल्स टू 0, सो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है और अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था इसको, सो जो एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय एस अपॉन में ई इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में 1 - r² ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि जीटा क्या है 0 है, सो एस अपॉन में ई निकालना है और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है आर इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन, तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं 314.16 अपॉन में 120.19, सो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.61, तो यहां पर रखा, ठीक है। एस अपॉन में ई इज इक्वल्स टू 2.61 का स्क्वायर अपॉन में 1 - 2.61 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ एस इक्वल्स टू ई की, ई इज यहां पर ई है 0.01 × 10^-3, mm में भी ले सकते हैं, मीटर में भी लेके चल सकते हैं, 2.61 का स्क्वायर अपॉन में 1 - 2.61 का होल। सो यहां से एस कम्स आउट टू बी माइनस, क्योंकि ये वाली नीचे माइनस हो जाएगा, -1.17 × 10^-5 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर एम्पलीट्यूड, और माइनस साइन तो वी कैन निगलेक्ट द माइनस साइन, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर अंडर रूट 1 - r² के होल स्क्वायर को लेकर आए हैं, ये वाली जो टर्म थी ये आई थी अंडर रूट 1 - r² का होल स्क्वायर, इसको इसको कैंसिल कर ली, तो माइनस अगर वैल्यू आती और स्क्वायर होता तो ये पॉजिटिव हो जाती, तो माइनस का कोई सेंस नहीं है, तो माइनस को हटा के मैंने कर दिया 1.167 × 10^-5 मीटर, ठीक है।
अब यहां पर मैं पहला पार्ट तो निकल गया एम्पलीट्यूड, अब डायनामिक फोर्स निकाल देता हूं। तो डायनामिक फोर्स के लिए, क्योंकि शाफ्ट इज हॉरिजॉन्टल, शाफ्ट इज हॉरिजॉन्टल, सो जो डायनामिक लोड है बेयरिंग पे, डायनामिक लोड ऑन बेयरिंग, वो क्या हो जाएगा, ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके कारण ही आएगा। बेयरिंग इज ड्यू टू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना एस, एज वेल एज ड्यू टू लोड, ड्यू टू मास ऑफ रोटर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, रोटर का जो मास है वो डाउनवर्ड एक एमजी फोर्स अप्लाई करेगा, उसके कारण आएगा। ठीक है, तो ये दो कारण के लिए डायनामिक फोर्स आने वाला है। ठीक है, तो डायनामिक लोड ऑन द बियरिंग, ठीक है, ये लोड आएगा एक स्टिफनेस है, क्योंकि एस यानी एम्पलीट्यूड, एस एम्पलीट्यूड है तो के एस का एक फोर्स उसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा, जैसे हमने डेरिवेशन में लिया, तो के इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा 144464.17 इंटू 1.17 इंटू 10^-5, सो जो के एस कम्स आउट टू बी 1.69 न्यूटन, के एस के कारण ये आ गया। अब तो ये डायनामिक लोड हो गया बियरिंग पे, उस केस जितना लोड आया उतना ही तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ केस, स्टिफनेस के फॉर्म में। दूसरा जो आएगा वो आएगा, नाउ टोटल लोड की बात करूं तो टोटल लोड ऑन बियरिंग वो क्या जाएगा, एम जी भी लग रहा है, प्लस के एस अपॉन में टू, दोनों बियरिंग की बात करें तो एक की निकाल लेते हैं, तो एम जी कितना है, mg है आपका 10, मास कितना दिया 10, इंटू g इज 9.81, प्लस ks की वैल्यू है 1.69 न्यूटन अपॉन में 2, सो ये टोटल लोड आ गया आपका 49.90 न्यूटन। ठीक है, अब ये वाला टोटल लोड जो है मेरा कम्स आउट टू बी 49.90। सो ये मुझे इस चीज पे ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मुझसे एम्पलीट्यूड पूछा था, क्योंकि शाफ्ट है, रोटर है, बियरिंग है, तो वर्लिंग वाली प्रॉब्लम है, उसमें मैं एस बाय ई का रिलेशन निकाला था और मुझसे टोटल डायनेमिक लोड पूछा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।